फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और इस क्रांति के दौरान एक नया मानव अधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ जो एक नए युग के आगमन का संकेत था। इससे राजनीतिक सेज बदल गई और यह माना गया कि सबके एक समान अधिकार होते हैं। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतर स्थिति का सवाल उठाया था। दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत को समझने से पहले फ्रांस का समाज कैसे चल रहा था उसकी जानकारी ले लेते हैं। सन 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना। तब फ्रांसीसी समाज थ्री स्टेट्स में बटा था, जिसमें प्रथम में क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, दूसरे में नोबल्स यानी कुलीन वर्ग और तीसरे में व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर और मजदूर आदि सभी आते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीनों के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, यानी वो किसान जिनकी खुद की ज़मीनें थीं उनकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे इस्टेट्स के कुछ अमीरों का अधिकार था। इसमें प्रथम दो इस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य के दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे, जिसमें वह किसानों से सामंती टैक्स वसूला करते थे। किसानों को अपने स्वामी की सेवा एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना पड़ता था। इसके साथ साथ चर्च भी किसानों से टैक्स वसूला करता था, जिसको टाइद कहते थे, जो कि एक धार्मिक टैक्स था, वह वसूला जाता था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों यानी कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। तब ब्रिटेन फ्रांस का शत्रु हुआ करता था। युद्ध से पहले ही फ्रांस का राजकोष खाली था और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। पर अमेरिका का युद्ध में साथ देने के बाद फ्रांस पर कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया था और सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फ्रांसीसी सरकारी खर्चों में, जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबारों और सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए टैक्स में बहुत वृद्धि की, पर टैक्स बढ़ाने से भी सरकारी खर्चों में पूर्ति नहीं हो पा रही थी और पिछले कुछ वर्षों में आबादी भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके कारण अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और जो कामगार जो कारखानों में काम करते थे उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। टैक्स बढ़ने और अकाल के समय पहले भी किसान और कारीगर विद्रोह कर चुके थे। किसान और कारीगर और अन्य गरीब वर्ग के अलावा एक मध्य वर्ग और भी था। इस मध्य वर्ग में समुद्री व्यापारी, रेशमी वस्त्रों के व्यापारी एवं निर्माताओं के साथ साथ प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी मानते थे कि समाज में सभी के पास समान अधिकार होने चाहिए। स्वतंत्रता के समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। दार्शनिकों के इन विचारों पर लोगों ने समूह बनाकर काफ़ी बहसें की और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जैसा कि सरकार के खर्चों के लिए पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तब किंग लुई 16 ने 5 मई 1789 को टैक्स बढ़ाने के लिए थ्री स्टेट की बैठक बुलाई। इस बैठक को बुलाने का कारण यह था कि उस समय राजा के पास टैक्स बढ़ाने के अधिकार नहीं थे। टैक्स तीनों स्टेट के आपसी सहमति से मंजूर होता था। इस बैठक में पहले और दूसरे स्टेट ने 300-300 प्रतिनिधि भेजे और तीसरे स्टेट ने 600 प्रतिनिधि भेजे, पर स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। लेकिन सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया।
तब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। फिर 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सायल में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इस असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो एक कुलीन परिवार से था, पर वो सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। इसी तरह आबे सीए पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। इसी वक्त जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर फ्रांस में आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। इसी समय फ्रांस को भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ा, जिससे फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। बेकरी का सामान काफी महंगा हो गया। कुछ औरतों को बेकरी की दुकान पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। इसी से गुस्साई औरतों ने दुकानों पर तोड़फोड़ की और फिर बाद में विशाल भीड़ ने बास्तील जेल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। उसी समय गांव-गांव में यह अफवाह फैलती जा रही थी कि जागीरों यानी कुलीन व पादरी वर्ग ने गुंडों से उनकी फसल तबाह करने का आदेश दिया है। तभी इस क्रोध से किसानों ने मिलकर इन अमीरों के छोटे किलों में हमला करके वहां के अनाज के भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। इसी डर से कुलीन अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुत तो विदेश तक चले गए। इस विद्रोह से भयभीत होकर लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और इसी से राजा के पद की ताकत भी संविधान से नियंत्रित होगी। इसके बाद 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली में टैक्स कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था की दरों को पारित कर दिया गया, जिससे पादरी वर्ग के भी विशेषाधिकार समाप्त हो गए और धार्मिक टैक्स समाप्त कर दिया गया। राजा लुई 16 ने अपनी शक्ति को दोबारा पाने के लिए प्रसा के राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था और इस षड्यंत्र में आसपास के राजा भी शामिल हो रहे थे। इससे पहले कि षड्यंत्र से राजा की आर्मी लोगों को नियंत्रित कर पाती, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया। लाखों लोग इसमें शामिल होने लगे और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। इसी दौरान समाज की बड़ी आबादी को लगा कि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार हैं, इसलिए लोग राजनीतिक क्लबों में जमा होकर सरकारी नीतियां और कार्य योजना पर बहस करते थे। इन्हीं में एक समूह जिसका नाम जेकोविन क्लब था, जिसमें मुख्यतः सदस्य दुकानदार और कारीगर और मजदूर होते थे। इस जेकोविन का नेता मैक्स मिलियन रोबे स्पेयर था। इसी तरह महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। फिर सन 1792 को जेकोविन क्लब ने खाद्य पदार्थों की महंगाई से नाराज होकर उन्होंने टेलुरिए के महल पर आक्रमण कर दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और पूरे शाही परिवार को जेल में डाल दिया। फिर से चुनाव कराए गए, पर इसमें अमीर गरीब सभी को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन कहा गया और 21 सितंबर 1792 को इस कन्वेंशन ने राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया, यानी देश अब लोगों से चलेगा ना कि राजाओं से। और फिर लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। इसके कुछ दिन बाद रानी मेरी एंतो एनेत का भी वही हश्र किया गया। रोबे स्पेयर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसने गणतंत्र के दुश्मन यानी पार्टी एवं कुलीन वर्ग को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और जो दोषी पाया उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया गया। फिर रोबे स्पेयर ने कई कानून बनाए, जिनमें मजदूरी की सीमा एवं कीमतों की अधिकतम सीमा, अनाज को तय कीमत पर बेचना आदि शामिल थे। इसके साथ चर्चों को भी बंद कर दिया गया और उनको दफ्तर बना दिया गया। जब जेकोविन क्लब बना था,
तब उसी दौरान महिलाओं के कई सारे क्लब बन गए थे। उनमें से एक क्लब द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वूमन सबसे मशहूर था। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं निराश थीं क्योंकि उन्हें 1791 के संविधान में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, यानी महिलाओं को चुनाव में कोई अधिकार नहीं था। महिलाएं चाहती थीं कि उनको भी राजनीतिक पद मिले, तभी उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। नवनिर्वाचित असेंबली में सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू में कुछ कानून बनाए जिससे उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार आए, जैसे कि स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी गैरकानूनी कर दी गई, शादी का पंजीकरण किया जाने लगा और तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। महिलाएं भी व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और व्यवसाय आदि चला सकती थीं, पर उनको राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहना पड़ा। फिर रोवे स्पेयर ने 1793 में 1793 में जब सख्त नीतियाँ बनाई थीं, उसी दौरान महिलाओं के क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। रोवे स्पीयर की इन सख्त नीतियों का उसके समर्थक भी विरोध करने लगे और फिर जुलाई 1794 में न्यायालय में उसे दोषी पाया गया और फिर उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और फिर सरकार अस्थायी हो गई। और इसी दौरान फ्रांस का कई देशों से युद्ध चल रहा था, तब नेपोलियन अस्थायी सरकार का मेन कंट्रोलर बना। और नेपोलियन के बारे में थोड़ा विस्तार से जाने तो बाई नॉट ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में बहुत सी अन्य वीडियोज हैं जिनसे आप अच्छे से समझ सकते हो और याद कर सकते हो, और बहुत सारे सेक्शन हैं जिनसे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। जब फ्रांसीसी क्रांति की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी, तब नेपोलियन सिर्फ एक ऑफिसर था और फिर कुछ ही वर्ष में, मात्र 24 वर्ष की उम्र में, नेपोलियन एक जनरल बन गया था। और इटली और ऑस्ट्रिया से युद्ध को जीतने के बाद नेपोलियन को फ्रांस का हीरो बना दिया गया। फिर 1798 में नेपोलियन को मिलिट्री मिशन से इजिप्ट भेजा गया, वहीं से नेपोलियन को पॉलिटिक्स में जगह मिली और 1799 में वह पहला सरकारी सलाहकार बन गया। और फिर धीरे धीरे उसके प्रति लोगों में प्रशंसा बढ़ने लगी और 1804 में 99% वोट के साथ नेपोलियन को फ्रांस का राजा बना दिया गया। नेपोलियन ने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। उसने पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उनकी जिम्मेवारी अपने ही खानदान के लोगों को दे दी। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। शुरू शुरू में बहुत से लोग नेपोलियन को मुक्तिदाता मानते थे और जनता को उससे स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसे हार का सामना करना पड़ा। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारियों का असर नेपोलियन की मृत्यु के काफ़ी समय के बाद सामने आया। स्वतंत्रता और लोगों के अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इन्हीं के कारण फ्रांस में सामंती व्यवस्था का खात्मा हुआ।